नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि HPPSC HAS प्रीलियम एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, जिसकी जो है परीक्षा 26 मई 2019 को हुई थी और टोटल वैकेंसी थी इसकी 27। तो कितने कैंडिडेट जो हैं कैटेगरी वाइज सेलेक्ट हुए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जनरल कैटेगरी में 16 वैकेंसी थी, जिसके टोटल कैंडिडेट 331 जो हैं प्रीलियम में क्लियर हुए हैं। और उसके बाद है कैटेगरी SC, इसमें जो थी 2 वैकेंसी थी और कैंडिडेट हुए हैं 41 क्वालिफाई प्रीलियम एग्ज़ाम में इसके। और उसके बाद कैटेगरी ST की आती है और उसमें भी 2 वैकेंसी थी, जिसमें 42 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद OBC की कैटेगरी है, जिसमें 1 वैकेंसी है और इसमें प्रीलियम एग्ज़ाम में 21 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद है कैटेगरी जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, इसकी थी 3 वैकेंसी, जिसमें टोटल 61 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई हुए हैं। और उसके बाद है कैटेगरी OBC एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, इसकी 1 वैकेंसी है जिस पर 20 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद है कैटेगरी जनरल हेयरिंग इम्पीरियड ऑफ HP, 1 वैकेंसी थी, इस पर टोटल 6 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई हुए हैं। और उसके बाद है कैटेगरी SCWFF ऑफ HP, तो इसकी 1 वैकेंसी थी जिस पे जो हैं 5 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई हुए हैं। तो टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं HAS की प्रीलियम एग्ज़ाम में वो हैं 527, और जो इसकी मेन की परीक्षा होगी एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 9 सितंबर से स्टार्ट है, 9 सितंबर 2019 से। 9 सितंबर 2019 को आपका SA का एग्ज़ाम होगा 2 PM to 5 PM, और 10 सितंबर 2019 को इंग्लिश लैंग्वेज का जो है आपका एग्ज़ाम होगा 9 AM to 12 noon तक। और जो 11 सितंबर 2019 को जनरल स्टडी 1 का एग्ज़ाम होगा 2 PM to 5 PM तक। और जो 12 को होगा वो होगा आपका जनरल स्टडी 2 का 2 PM to 5 PM। और उसके बाद 13/9/2019 को 13 सितंबर को होगा जनरल स्टडी 3 2 PM to 5 PM। और उसके बाद 14/9/2019 को हॉलीडे है, और 15/9/2019 को 15 सितंबर को होगा ऑप्शनल पेपर 1 ऑफ द सब्जेक्ट। 15 तारीख को ऑप्शनल पेपर 1 ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड का होगा 9 AM to 12 noon तक। और जो 15/9/2019 को ऑप्शनल पेपर 2 होगा सब्जेक्ट ऑप्टेड का, वो होगा 2 PM to 5 PM तक। तो ये थी दोस्तों नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। धन्यवाद।